दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर किसी भी तरह का डेटा है अगर आपके कंप्यूटर में तो उस डेटा को कैसे आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हो अपने कंप्यूटर में, कैसे पासवर्ड सेट कर सकते हो किसी भी फाइल या फोल्डर या डेटा में। तो वीडियो में जो भी स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ आपको बिना किसी स्टेप को स्किप किए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर में पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका कि नाम है विनरार। तो सिंपली आपको अपने कंप्यूटर में ब्राउजर ओपन कर लेना है। और सर्च में आपको विनरार लिखकर सर्च करना है। उसके बाद जो विनरार का ऑफिशियल वेबसाइट है www.winrar.com इसी वेबसाइट पर आपको आना है और यहां से आपको डाउनलोड कर लेना है विनरार को। अगर आपका कंप्यूटर का विंडोज वर्जन 32 बिट वाला है तो यहां से आपको 32 बिट वाला डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको अपने कंप्यूटर में विनरार को इंस्टॉल कर लेना है। अब उसके बाद यहां पे जिस भी फाइल या फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना है आपको उस पर राइट क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे इस फाइल में पासवर्ड सेट करना है तो सिंपली यहां पर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको ऐड टू आर्काइव का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली आपको यहां पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आर्काइव फॉर्मेट को जीप में सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हो अपने फाइल के लिए आपको यहाँ पे वो पासवर्ड फिल कर लेना है। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, देन फिर से आपको ओके पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आपके फाइल में जो पासवर्ड होगा वो सेट हो जाएगा। सिंपली अगर आपको फाइल को ओपन करना है तो इस पर डबल क्लिक करना है आपको। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, विनरार सॉफ्टवेयर जो है एक पेड सॉफ्टवेयर है। अगर आप अपने कंप्यूटर में विनरार को इंस्टॉल करते हो तो आपको 40 दिन तक आपको भी ये फ्री ट्रायल मिलता है, यानी कि आप 40 दिन तक यूज कर सकते हो विनरार को अपने कंप्यूटर में। फिर 40 दिन के बाद विनरार सॉफ्टवेयर को आपको परचेज करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे आप 40 दिन तक आप विनरार सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। उसके बाद यहाँ पे आपका जो फाइल होगा वो शो हो जाएगा जिसमें कि आपने पासवर्ड सेट किया होगा। तो सिंपली आपको अपने फाइल को ओपन करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इस फाइल को ओपन करने के लिए जो भी पासवर्ड बनाया होगा आपको वो पासवर्ड फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपका जो फाइल होगा वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसी जीप फाइल में अगर कोई और फाइल आप ऐड करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको वो फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। और इस फाइल में भी आपको पासवर्ड सेट करना है तो सिंपली यहाँ पे आपको सेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड आपको बना लेना है। पासवर्ड बना लेने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, देन ओके पे क्लिक करना है। फिर इसी जीप फाइल में आपका जो फाइल होगा वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जब भी फाइल को ओपन करोगे तो यहाँ पे आप पासवर्ड फिल करके ओपन कर सकते हो अपने फाइल को। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देना है। जैसे कि ये दो फाइल में मैंने पासवर्ड लगाया था तो इस फाइल को आपको डिलीट कर देना है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर या डेटा में पासवर्ड सेट कर सकते हो। अब अगर आप इस जीप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो सिंपली आपको इस पर राइट क्लिक करना है, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करना है, पासवर्ड फिल करके यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपका जो फाइल होगा वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और आपका जो ये फाइल होगा वो पासवर्ड फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में किसी भी डेटा या फिर किसी भी फाइल या फोल्डर में पासवर्ड सेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो में समझ में आ गया हो कि कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर में पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। और अगर दोस्तों आपको कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर में पासवर्ड सेट करने में कोई दिक्कतें आ रही है या फिर आपको वीडियो में कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।